गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज जो है सुबह सुबह आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देने वाला हूँ। आरबीआई का एक बहुत बड़ा फैसला सामने आ रहा है। एक ऐसा एनबीएफसी है जो कि आप लोगों ने लोन लिया है उससे, तो वो एनबीएफसी जो है बैन हो गया है। उस एनबीएफसी का जो है सर्विस बैन कर दिया गया है। और क्या है वो, कौन सा एनबीएफसी, आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप लोगों ने इससे लोन लिया है तो आप लोगों को जो है बल्ले बल्ले, आप लोगों का जो है बल्ले बल्ले होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोगों ने लोन लिया है तो आप लोगों को जो है वापस करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो भी सर्विस है वो बैन कर दिया गया है। तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों। अगर आप लोग नए हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं हो, तो सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँ कि सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को जरूर जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, जो भी लोन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को एक गुड न्यूज भी देने वाला हूँ, एक बैड न्यूज भी देने वाला हूँ। अब गुड न्यूज क्या है, देखिए आरबीआई की तरफ से जो फैसला लिया गया है कि एक ऐसा सर्विस है जो कि बैन कर दिया गया है, और उस सर्विस का नाम है पेटीएम बैंक। पेटीएम पेमेंट बैंक का जो सर्विस है वो बैन कर दिया गया है। अब इसके अंदर जो है क्या गुड न्यूज है और क्या बैड न्यूज है वो आप लोग बताए। देखिए गुड न्यूज ये है कि अगर आपने लोन लिया है इससे तो आप लोगों को चुकाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका सर्विस बैन कर दिया है। अब जो है यहाँ पर बैड न्यूज क्या है वो बता देता हूँ। यहाँ पर जो भी लोग यहाँ पे पेमेंट बैंक या फिर यूपीआई के थ्रू या फिर फास्टैग यूज करते थे, उनके लिए ये खराब खबर है, क्योंकि ये सर्विस भी जो है बैन हो गया है। पेटीएम का जो है जो सर्विस था, यहाँ पर कोई अब ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता, कोई भी यहाँ पर लोन का जो भी लेन देन नहीं कर सकता, और साथ ही साथ जो फास्टैग वगैरह सर्विस था वो भी जो है बैन कर दिया है। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को ऑफिशियल न्यूज मैं दिखाना चाहता हूँ, नहीं तो आप लोग सोचोगे कि भाई ये फेक न्यूज है। आरबीआई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ, और आप लोग प्लीज इसको देख के आप लोग जो है यहाँ पर कमेंट में प्लीज बोलिएगा कि कौन कौन लोग था यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक, पेटीएम से जो है आपने लोन लिया था और इसका रीपेमेंट नहीं कर पा रहे थे, और आप लोग चाह रहे थे कि इसका जो है बैन हो जाए। तो यहाँ पर जो है आप लोगों का काम आसान हो गया है। आरबीआई जो है यहाँ पे बैन कर दिया है, पेटीएम का जो भी सर्विस था वो बैन हो चुका है। ठीक है, 29 फरवरी को जो है लास्ट है, और उसके बाद 1 मार्च से जो है सर्विस बंद हो जाएगा। कोई भी फास्टैग वगैरह यूजर्स जो भी है, तो कोई भी टोल प्लाजा में काम नहीं करेगा, और साथ ही साथ जो भी सर्विस दे रहा था पहले वो टोटली बैन हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को जो है स्क्रीनशॉट्स में दिखाऊंगा, आप लोगों को जो है जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग जो है यहाँ पर स्क्रीनशॉट में ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख पा रहे हो। यहाँ पर लिखा है साफ तौर पे कि पेटीएम का जो भी सर्विस था, फास्टैग वगैरह जो भी था, वो जो है बैन कर दिया है, वो सर्विस अब यूज नहीं करा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर एक आर्टिकल जो न्यूज है, न्यूज में यहाँ पे लिखा क्या है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा है, इन ए शॉकिंग टर्न ऑफ इवेंट, पेटीएम पेमेंट बैंक हैज बीन बैरिड फ्रॉम एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और टॉप अप्स इन एनी कस्टमर अकाउंट्स, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, वॉलेट्स, फास्टैग्स अमंग अदर्स After February 29, 2024, तो यहाँ पे जो भी सर्विस था वो सारा कुछ जो है बैन हो चुका है, कोई भी सर्विस यूज नहीं कर सकते, क्योंकि गाइडलाइंस फॉलो नहीं किया था, कुछ प्रॉब्लम्स हुआ था जिसकी वजह से यहाँ पे, और बहुत सारे जो है स्कैम्स भी हो रहा था जिसकी वजह से ये बैन हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी चीजें लिखा है देखिएगा, यहाँ पे पेटीएम जो है बहुत सारा चीजें लिखा है, ये अपने को कोई जरूरत नहीं है। जो मेन है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोगों को लगेगा कि इससे लोन का क्या या कनेक्शन है, लोन कैसे बंद हो गया, लोन देना पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले आप लोगों को एक लिंक मैं आप लोगों को, एक न्यूज है वो न्यूज मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर न्यूज मैं चला के आप लोगों को सुना देता हूँ कि वो न्यूज क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर जी न्यूज जो बड़ा चैनल है, इस पर भी जो है ये न्यूज आ रहा है कि लोन अगर आप लेना चाहते हो तो उसके बाद जो है लोन आप नहीं ले सकते, उसका भी सर्विस बंद हो जाएगा। अगर बंद हो रहा है मतलब क्या है, उसका भी जो है लाइसेंस कैंसिल हुआ है और आपको पेमेंट भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको न्यूज सुना देता हूँ। अब न्यूज जो है थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। देश के बड़े पेमेंट्स बैंक में से एक पेटीएम पर नियमों की अनदेखी भारी पड़ गई है। एक व्यापक सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी ऑडिटर्स की ओर से तैयार रिपोर्ट के बाद रिजर्व बैंक ने पेटीएम पर कई तरह के प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। रिजर्व बैंक के मुताबिक रिपोर्ट से पेटीएम पेमेंट्स बैंक में लगातार नियमों की अनदेखी का पता चला है, इसलिए आगे की कार्रवाई की जरूरत है। चलिए आपको उन प्रतिबंधों की फहरिस्त और उनकी डेडलाइन की जानकारी दे देते हैं जो कि रिजर्व बैंक की ओर से पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर लगाई गई है। रिजर्व बैंक ने बताया है कि 11 मार्च 2022 को पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को जोड़ने से रोक दिया गया था। इसके बाद विस्तृत सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और एक्सटर्नल ऑडिटर्स की रिपोर्ट से ये पता चला कि बैंक में लगातार नियमों के नहीं पालन करने से जुड़ी चिंताएं सामने आई। इसके बाद रिजर्व बैंक ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 35A के तहत दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पेटीएम बैंक को लेकर कई बड़े फैसले लिए हैं। आरबीआई ने पहले निर्देश में पेटीएम पेमेंट्स बैंक को किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड साधन, वॉलेट,
फास्टैग नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड में 29 फरवरी 2024 के बाद जमा। देख सकते हो आप लोग यहाँ पे 29 फरवरी से काम नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि 1 मार्च 2024 से पेटीएम अपने ग्राहकों को बैंकिंग वॉलेट फास्टैग एनसीएमसी कार्ड सर्विस नहीं दे पाएगा। हालांकि तब तक यानी 29 फरवरी 2024 तक पेटीएम के ग्राहक बचत खाते चालू खाते वॉलेट फास्टैग एनसीएमसी तक टाइम है। अगर आपका पैसा वहाँ पे है तो आप निकाल लीजिए जल्दी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि 29 फरवरी से काम नहीं करेगा। 29 फरवरी के बाद दूसरी बैंकिंग सर्विस जैसे ईपीएस आईएमपीएस बीबीपीओयू यूपीआई सुविधा नहीं प्रदान कर पाएगा। इसका मतलब यह है कि 1 मार्च से पेटीएम ईपीएस बीबीपीओयू यूपीआई जैसी सुविधाएं अपने प्लेटफॉर्म पर नहीं दे पाएगा। आरबीआई ने यह भी निर्देश दिया है कि 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड और पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड के नोडल खातों को जल्द से जल्द किसी भी हालत में 29 फरवरी 2024 से पहले समाप्त करना चाहिए। जो आखिरी निर्देश आरबीआई ने जारी किया है उसके मुताबिक सभी पाइपलाइन ट्रांजेक्शन और नोडल खातों का निपटान 15 मार्च 2024 तक पूरा किया जाएगा और इस तारीख के बाद किसी और लेन देन की इजाजत नहीं दी जाएगी। जो लोग पेटीएम के वॉलेट सेविंग्स बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं उन पर इन फैसलों का क्या असर होगा ये भी जानना बेहद जरूरी है। सबसे बड़ा असर ये होगा कि 29 फरवरी 2024 के बाद पेटीएम फास्टैग सर्विस बंद हो जाएगी। कोई काम नहीं करेगा। अगर आप अपनी गाड़ी में पेटीएम फास्टैग करते हैं तो 1 मार्च से ये किसी भी टोल प्लाजा पर काम नहीं करेगा। 29 फरवरी लोन नहीं ले पाएंगे। मतलब क्या हुआ, बैन हो गया है, ठीक है, ये सर्विस 1 मार्च से बंद हो जाएगी। 29 फरवरी 2024 के बाद आप पेटीएम यूपीआई का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको 1 मार्च से दूसरे गेटवे का इस्तेमाल करना होगा। 29 फरवरी 2024 के बाद आप किसी को पेटीएम गिफ्ट कार्ड नहीं भेज सकेंगे। पेटीएम ने अगस्त 2023 की एक फाइलिंग में ये जानकारी दी थी कि उनके औसत मंथली यूजर्स 9.3 करोड़ हो गए हैं। कंपनी का दावा है कि उनके पास 20 करोड़ से अधिक वॉलेट यूजर्स हैं। वहीं पेटीएम पेमेंट्स बैंक में 3 करोड़ ग्राहकों ने बैंक खाता खोल रखा है। आरबीआई की पाबंदियों का मतलब ये है कि 30 करोड़ पेटीएम यूजर्स पर सीधा। तो दोस्तों आप लोगों ने ये न्यूज सुना, ये जो है आरबीआई का ऑफिशियल न्यूज है, कोई भी मैं बना के नहीं दे रहा हूँ। न्यूज पर भी ये है, अगर आप चाहते हो तो आप गूगल में जाके देख सकते हो, यूट्यूब पे देख सकते हो, ठीक है। ये जो है अभी के टाइम में ब्रेकिंग न्यूज है। एक बहुत बड़ा कंपनी जो है बैन हुआ है, यहाँ पे सर्विसेज जो भी था फास्टैग वगैरह जो भी है सब कुछ बैन हो गया। साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि आप लोन नहीं ले सकते हो। अब लोन अगर नहीं ले सकते हो तो यहाँ पर आपको, अगर पहले भी लोन लिए हो तो आपको चुकाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास। अगर आप लोगों ने पेटीएम से अगर आपने लोन लिया है तो आप लोगों को जो है ये गुड न्यूज कैसा लगा आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूले। तब तक के लिए चलते रहो, टेक केयर, जय हिंद जय भारत दोस्तों।